चलते हैं बिलासपुर, जहां पर हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज बिलासपुर में कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी सुधीर। बिल्कुल वर्षा, हम सबसे पहले बिलासपुर की बड़ी खबर से चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। तो बिलासपुर में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम अरुण साव आज बिलासपुर पहुंचेंगे। और यह अरुण साव बिलासपुर पहुंच चुके हैं और अपने निवास कार्यालय पर 10 बजे से जो कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम क्योंकि देखिए लोग है जिस तरह से उनकी अपनी समस्याओं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं डिप्टी सीएम। और ये जो जन दर्शन है वो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, क्योंकि जब से डिप्टी सीएम अरुण साव यहाँ सांसद थे तब से यहाँ उनकी जो जो लोगों की समस्या है वो सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद आज भी उनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, लोगों की समस्या को सुनेंगे और समस्या को दूर करने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जाता है। समय रखा गया है 10 बजे से 12 बजे तक लोगों की समस्या सुनेंगे। उसके बाद बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो कुलपति है उनका सम्मान समारोह का आयोजन पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, आज उनका समापन है। उसमें भी डिप्टी सीएम आज मौजूद रहेंगी, कार्यक्रम में भी सब लोगों को भी संबोधित करते नजर आएंगे। उसके बाद साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ और बिलासपुर में कार्यक्रम है, वहां भी डिप्टी सीएम है वो मौजूद रहेंगे। और आज पूरा दिन डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में अपना समय व्यतीत करने वाले हैं। बिल्कुल वर्षा, देखिए दूसरी खबर की बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोरोना लगातार बिलासपुर में आंकड़े जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, लगातार एक दो आंकड़े आ ही रहे हैं। देखिए कल की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो बिलासपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 3 दिनों में कुल 6 लोग जो है वो कोरोना से जो पॉजिटिव है वो पाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिलासपुर में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। साफ तौर पे लोगों को हिदायत भी दिया गया है चिकित्सा विभाग के द्वारा कि जो लोग हैं वो सतर्क रहे, जो सावधानियां हैं वो बरते, ताकि जो कोरोना के आंकड़े हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर के चिकित्सा विभाग भी कहीं जो है कहीं ये कहा जा सकता है कि चिकित्सा विभाग भी कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था को बनाने में लगे हैं, लोगों को इलाज के लिए मोटिवेशन कर रहे हैं, लोगों को समझाया दिया जा रहा है और लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इन तमाम चीजों की यहाँ लोगों से उपयोग करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल मौसम की भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बिलासपुर में जो मौसम है वो उनकी मौसम है वो कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, उनका हाल बेहाल है, किसानों की हाल बेहाल है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ये 10 मिलीमीटर की यहाँ दर्ज की गई है वर्षा को, और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि वर्षा होने से क्षेत्र में जो किसान है उनकी काफी समस्याएं बढ़ गई है। समस्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो लोग हैं यहाँ धान खरीदी केंद्रों में तकरीबन 75% ही धान की खरीदी हुई है और बाकी के जो किसान है उनकी धान उनके घरों पर है, तो उनको काफी समस्या हो रही है। और जो किसान है नए फसल उनके द्वारा बोए गए हैं उनको भी काफी समस्या हो रही है, क्योंकि धूप नहीं आ रहा है, मौसम बदली छाई हुई है, बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग हैं वो समस्या का सामना कर रहे हैं और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल वर्षा, देखिए और खबर की हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से तापमान में भी देखा गया है कि जो तापमान की डिग्री है वो 18 डिग्री तक बिलासपुर में चली गई है। सुबह से भी बिलासपुर में कोहरा छाया हुआ था, अभी भी थोड़ी हल्की बूंदी बारिश हो रही है बिलासपुर में, और जो आंकड़ा है ठंड थी उसके तापमान में गिरावट आई हुई है। बिल्कुल देखिए राजनीतिक खबरों की भी हम बात करेंगे, और राजनीतिक खबर में बिलासपुर में जो लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा कांग्रेस के जो नेता है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, खास तौर पर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारे हार के बाद से काफी मेहनत करनी पड़ रही है। लगातार जो नेता है उनकी नेताओं के द्वारा यहाँ बैठकें की जा रही है, कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है, छोटे स्तर तक मैं कहूंगा छोटे स्तर तक जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ बैठकें कर रही है, बूथ स्तर तक, जोन स्तर तक, तमाम स्तरों पर ये बैठक किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हार मिली है कांग्रेस को उसको एक बार फिर भरपाई करने का प्रयास लोकसभा चुनाव में यहाँ किया जा रहा है, वहीं भी बीजेपी की भी हम बात करेंगे कि बीजेपी भी दावा कर रही है कि 11 लोकसभा सीटों में पूरी 11 सीटें जीतने के दावा उनके द्वारा किया जा रहा है।
और ये भी उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को ठगने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, इसके ये भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। और यही वजह रहेगी कि जो लोकसभा 11 सीटें है वो भाजपा अपनी जीत की दावे कर रही है। जी वर्षा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।